स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि टैली ईआरपी9 और प्राइम कहां से डाउनलोड करें, क्या इसका कोई क्रैक वर्जन है, अगर क्रैक वर्जन है तो वो हमें कैसे मिलेगा, और क्या क्रैक वर्जन आता भी है या ये सब बेकार की बात है। तो क्रैक वर्जन है टैली का, आप ईआरपी9 का क्रैक वर्जन मिल जाएगा, लेकिन विद जीएसटी आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्रैक वर्जन उसका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टैली को 17 से 18 हजार में आप खरीदते हैं और उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पेड वर्जन है वो 17 से 18 हजार में मिलता है और उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम यूज करने का ये मतलब है कि आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते चीजों को, जो नई नई चीजें अपडेट आती रहती है उसमें वो अपडेट आपको नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है। तो ये टैली ईआरपी9 और प्राइम दोनों में मिलेगा आपको। प्राइम तो काफी नया है, ईआरपी9 में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, अगर आपको मिल जाता है ईआरपी9 क्रैक वर्जन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईआरपी9 में विद जीएसटी क्रैक वर्जन मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। और ये लोगों के पास थोड़ा सा ये मिथ भी है, लोग ऐसे सोचते हैं कि टैली का क्रैक वर्जन आता है। क्रैक वर्जन किसका आता है? पुराने, बहुत पुराने वर्जन का क्रैक वर्जन आता है, जबकि वैट लगा करता था। नए में मैंने अभी फिलहाल कोई क्रैक वर्जन नहीं देखा है टैली का, ठीक है। एजुकेशनल वर्जन जो हम लोग यूज करते हैं, एजुकेशनल मोड, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या खासियत है, कुछ डेट है जो डेट पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि 1 तारीख में काम कर सकते हैं, 2 तारीख में काम कर सकते हैं, या 30-31 में काम कर सकते हैं, यही कुछ डेट है जिसमें आप काम कर पाएंगे, बाकी कोई डेट चेंज नहीं होगी। तो ये एजुकेशनल वर्जन है, एजुकेशनल वर्जन सीखने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कि टैली को सीखने के पर्पज से यानी एजुकेशनल वर्जन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल और यहां पे सर्च कीजिएगा tally.org, क्या सर्च करना है, tally.org। जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आपके सामने जो पहला वाला लिंक आएगा, यहां देखिए ये लिंक जो आएगा tallysolution.com, आप tallysolution.com डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर चले जाइएगा, आपको लेटेस्ट वर्जन यहां पे मिल जाता है, जैसे कि टैली प्राइम दिया हुआ है, लेकिन टैली प्राइम में दिक्कत ये है कि ये जो पुराने वर्जन है, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 है या उन सब पे वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको मिनिमम 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आप जो पुराना ओल्ड वर्जन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं पर नीचे आपको दिया हुआ है प्रीवियस वर्जन, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू खुलेगी, अब यहां पर आपको प्रीवियस वर्जन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ईआरपी9 का भी है इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। ये क्लिक करिएगा और यहां इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। अब ये ओपन कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर प्राइम आप चाहते हैं तो प्राइम भी ओपन हो जाएगा। देखिए अगर आप प्राइम डाउनलोड करेंगे या ईआरपी9, मान लीजिए ईआरपी9 डाउनलोड किया, तो ये ओपन कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आपको जाना है एजुकेशनल मोड पर, ये देख रहे हैं यहां नीचे एक लाइन सी बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, ठीक है। तो आपको एजुकेशनल मोड पे जाना है, आप शॉर्टकट की अल्ट के साथ W भी प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल वही सिनेरियो आपको मिल जाएगा जैसा कि मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो वो दिखता है, ठीक है। देखिए इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आप इसको फ्रीली यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ईआरपी9 रहा, प्राइम में कैसा इंटरफेस आएगा वो भी आपको बता देता हूं। देखिए डाउनलोड करेंगे तो प्राइम में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं, तो हम फिलहाल एजुकेशनल मोड यूज करना चाहते हैं, और ये इस तरीके से आ जाएगा। इसकी खासियत यही है कि इसमें 1 तारीख 2 तारीख या 30-31 में आप काम कर पाएंगे, यानी कुल मिला के 3 डेट्स पर आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।